वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्लेन स्क्रैम्बल एग बनाएंगे। 3 एग्स हैं और बटर है, शुगर डालेंगे, बस बहुत इजी है। होप आपको पसंद आएगी। ये एग लेंगे और इनको ऐसे ब्रेक कर लेंगे। अंडे ब्रेक कर लिए। अब ये शुगर आप थोड़ी भी डाल सकते हैं, ना भी डालें। नमकीन बनाना हो तो थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल लें, लेकिन हम मीठा बना रहे हैं तो 1 टेबलस्पून शुगर, 3 एग हैं तो 1.5 मीडियम ऐसे। और अब इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे, अच्छी तरह मिक्स करना है। जब बिल्कुल अब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, शुगर भी डिसॉल्व हो गई है, तो अब इसको रखेंगे और फ्राई पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस जब हम स्क्रैम्बल एग बनाएं तो वो लगे ना, बस इतना बटर डालें। और हल्की गैस रखनी है, ज़्यादा नहीं, मीडियम से थोड़ी सी कम ही। इतना बटर बहुत है और हम इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। इसमें गैस हमने हल्की रखनी, क्योंकि स्क्रैम्बल एग बहुत जल्दी बन जाता है, 2-3 मिनट में बन जाता है, तो आस्ता गैस होगी तो अच्छा बनेगा। ये मिक्स जो अंडा हुआ हुआ है ये सारा इसमें डालेंगे। अब इसको हिलाते रहना है बस ऐसे, आप ये देख सकते हैं मैं लगने नहीं दे रहा नीचे। और थोड़ी सी 3-4 मिनट हिलाएंगे तो ये सख्त हो जाएगा। अभी आपको दिखाएंगे, काफी इजी है और आप पराठे के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं, जैसे भी ऑन इस ऑन भी खा सकते हैं स्पून के साथ, अगर सिर्फ अकेला खाना है तो। बस तकरीबन तैयार हो गया है।
देखिए बस, और लगा भी नहीं है और बन भी गया है। अभी ये मैंने 2 पीस ब्रेड के लिए और इसको ग्रिल कर लूंगा। ग्रिल में 2-3 मिनट के बाद ये ग्रिल हो जाएगी और फिर अभी रेडी हो गया ये, और ब्रेड भी मैंने कर लिए, और ये खजूर और बनाना का मिल्क शेक भी साथ में है, काफ़ी हेल्दी है। और अब हम खाएंगे, और बहुत इजी है, आप भी बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। रमज़ान मुबारक, और स्टे सेफ एंड सेव लाइव्स। अल्लाह हाफिज़।